मध्य प्रदेश के खरगोन में 3 तलाक के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने कहा कि शरीयत के अनुसार हो गया तलाक। उसने कहा कि शरीयत पहले और कानून बाद में। 3 तलाक कानून लागू होने के बाद प्रदेश का पहला 3 तलाक का मामला है जिसमें आरोपी गिरफ्तार हुआ है। देश में एक साथ 3 तलाक दिए जाने के खिलाफ कानून बनाने के बाद जिला मुख्यालय पर 3 तलाक से जुड़ा पहला मामला सामने आया है। इसमें पकड़े गए आरोपी पति की गिरफ्तारी के बाद उसने थाने पर कहा शरीयत के अनुसार तो 3 तलाक हो गया है और शरीयत पहले कानून बाद में। रंगरेजवाड़ी में ब्याही नवविवाहिता अमरीन पिता खलील बेग ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर पति सद्दाम पिता हनीफ पर मारपीट करने और एक बार में ही 3 बार तलाक कहकर घर से निकालने की शिकायत दर्ज कराते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा जेठ जेठानी पर दहेज के लिए मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता ने परिजनों के साथ SP से मुलाकात की, उसके बाद उन्हें कोतवाली भेजा गया। उल्लेखनीय है कि एक बार में 3 तलाक देने को नए कानून के मुताबिक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल तक की कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। गिरफ्तारी हुई है, इसे आज कोर्ट पेश किया जाएगा। ऐसे 3 तलाक के केसेस में हतोत्साहित करने के लिए कानून का बड़ा कदम है और महिलाओं के सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम है। तो भाभी और देवर का भी नाम है इसमें, परिवार के और लोगों का भी नाम है, उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चूँकि प्रथम दृष्टया ये आरोपी साबित है और ये इसने बताया कि मैंने 3 तलाक दिए थे शरीयत के मुताबिक, तो इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है। 3 तलाक के अलावा दहेज प्रताड़ना का मामला भी दहेज है। फरियादी ने लिखाया था कि पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसी तारतम्य उसने उसको 3 बार तलाक बोल के 3 तलाक दिए, जिसके लिए जो नया एक्ट बना उसके मुताबिक कार्रवाई की गई। किस प्रकार से सर आप इसमें नए एक्ट में इसको सजा का प्रावधान किया गया है? इसमें इसको न्यायालय पेश किया जाएगा और न्यायालय डिसाइड करेगा। फरियादियों को भी न्यायालय कई बार तलब करता है, इसमें महिला को भी इसको तलब करेंगे। उसके बाद न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि उसको जमानत दी जाए या जेल दी जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।